माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं ये बिल पुरस्थापित करने के लिए खड़ा हुआ, सदन के बहुत सारे लोगों ने नियम 72(1) का उल्लेख करते हुए सदन की कॉम्पिटेंसी के बारे में सवाल उठाए। कॉम्पिटेंसी इस दृष्टि से कि ये बिल संविधान के कई आर्टिकल की मूल भावनाओं को आहत करता है, इसलिए इस बिल पर सदन चर्चा न करे, इस बिल को पुरस्थापित न किया जाए। सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से पूरे सदन को और सदन के सदस्यों के माध्यम से पूरे देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये बिल संविधान के किसी भी आर्टिकल को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। अब सुनेंगे तो सुने ना सभापति महोदय, ठीक नहीं है। दादा बैठिए, दादा सदस्यगण, मान्य सदस्यगण, मान्य, अरे ओ अटवले जी, कल्याण दा, चलो बैठ जाओ भाई, ए बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ भाई, ए बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सभापति महोदय, मैं फिर से एक बार सदन के सभी सदस्यों को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस बिल को मैं पुरस्थापित करने के लिए प्रस्ताव लेकर आया हूं, वो बिल किसी भी तरह से, किसी भी दृष्टिकोण से संविधान के किसी भी आर्टिकल को आहत नहीं करता है। सबसे पहले अनुच्छेद 11 की बात करी, मेरा सबसे आग्रह है कि अनुच्छेद 11 को पूरा पढ़ लें। एक अनुच्छेद 11 का उपबंध में पढ़ना चाहता हूं, इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई भी बात नागरिकता के अर्जन और संपत्ति के तथा नागरिकता के संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। सबका इस तरह से नहीं होगा अध्यक्ष जी, मैं सबका जवाब दे रहा हूं। मान्यवर, मेनली लबोलब सबने आर्टिकल 14 का उल्लेख किया कि आर्टिकल 14 वायोलेट हो रहा है। मैं थोड़ा सदन के सामने आर्टिकल 14 को पढ़ना चाहता हूं। राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ये है आर्टिकल 14। अब मान्यवर, जो मैं बिल लेकर आया, इसमें उन कुछ सदस्यों को लगता है कि समानता का अधिकार इससे आहत होता है, परंतु मैं सबके सामने मेरी एक बात रखना चाहता हूं कि आर्टिकल 14 रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर कानून बनाने से रोक नहीं सकता। एकदम जवाब मत दीजिएगा, मुझे ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं है मान्यवर कि पहली बार नागरिकता के लिए कोई सरकार निर्णय कर रही है। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक निर्णय किया कि बांग्लादेश से जितने भी लोग आए हैं सारे लोगों को नागरिकता दी जाएगी।
अब मुझे एक बात बताइए, तो फिर पाकिस्तान से आए हुए क्यों नहीं लिए? आप बैठिए माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी ये ठीक नहीं है। मैं बताता हूं ना, माननीय अध्यक्ष जी, उस वक्त मेरा छोटा सा सवाल है कि आर्टिकल 14 ही था तो फिर सिर्फ बांग्लादेश क्यों? अभी अधीर रंजन चौधरी खड़े हो गए, उनका गुस्से होना स्वाभाविक भी है, मैं उनका गुस्सा समझ भी रहा हूं और गुस्से का कारण भी समझ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं कि ये तो बांग्लादेश से आए हुए लोगों को रखते, तो ये भी बांग्लादेश से आए हुए लोगों के लिए भी है और नरसंहार रुका नहीं है। मान्यवर 71 के बाद भी वहां अल्पसंख्यकों को चुन चुन कर प्रताड़ित करने की घटना हुई। मैं जब बिल का जवाब दूंगा बिल पर ही कर रहा हूं, मैं आर्टिकल 14 पर ही बोल रहा हूं। मैं आपने भी भाषण दिया था। मान्यवर उसके बाद में युगांडा से आए हुए सारे लोगों को इस देश में कांग्रेस के शासन में ही शरण दी गई, नागरिकता दी गई, तो फिर क्यों युगांडा करा? इंग्लैंड से आए हुए लोगों को क्यों नहीं करा? सब करने चाहिए थे, क्योंकि एक विशिष्ट रीजनेबल क्लासिफिकेशन के ग्राउंड पर युगांडा वालों को दिया गया था। दंडकारण्य का कानून लेकर आए तब भी सबको नागरिकता दी, सिर्फ क्यों उस वक्त भी बांग्लादेश करा 59 में? क्योंकि रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर किया था। मान्यवर श्रीमान राजीव गांधी जी ने आसाम एकॉर्ड करा, फिर से 71 तक के सभी लोगों को स्वीकार कर लिया, क्यों 71 के बाद के नहीं करें? क्योंकि एक कट ऑफ डेट नक्की हुई तो आर्टिकल 14 वहां अप्लाई नहीं होता था। आर्टिकल 14 वहां पर पूरी दुनिया से आए हुए ले लो भाई 71 से। और मान्यवर ऐसे समानता के अधिकार के कानून दुनिया भर के संविधान के अंदर है, मैं ढेरों संविधान को कोट कर सकता हूं। एक नागरिक यहां से वहां जाकर सिटीजनशिप ले ले, वो ग्रीन कार्ड देते हैं। किसके आधार पर देते हैं मान्यवर? जो ज्यादा निवेश करेगा, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा, इसको देते हैं। क्या समानता विकसित होती है? क्या नहीं होती है? मान्यवर एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर होता है। और कई सारे कानून, इसको छोड़ दीजिए, मैं अभी बोलूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, मगर समानता का आर्टिकल 14 का अगर आप जो मेरे विपक्ष के सदस्य मित्र करते हैं ऐसा इंटरप्रिटेशन अगर समानता के कानून का करना है तो अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार कैसे होंगे? मान्यवर बताइए मुझे, समानता का कानून अप्लाई वहां क्यों नहीं होता है? उनके एजुकेशन, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जो अधिकार मिला है वो एक सेकंड वो आर्टिकल 14 वायोलेट करता है क्या? वो एक रीजनेबल, दादा बैठ जाइए दादा बैठ, अब मुझे सुनना पड़ेगा आपको। मैं एक एक चीज का जवाब देता हूं, बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन। माननीय अध्यक्ष जी मुझे ऐसे नहीं रोक सकते, ये सरकार को 5 साल के लिए चुना है, हमें सुनना पड़ेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। माननीय अध्यक्ष जी अब यहां पर, अब सुनो ना भाई। माननीय अध्यक्ष जी, Sit down.
माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण प्लीज एक मिनट, माननीय सदस्य प्लीज, दादा कल्याण जी, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य मत जवाब देना भाई, आप शांत हो भाई, बिगाड़ना है आपको भी बिगाड़ना है, माननीय सदस्य बैठ जाओ, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय एक मिनट कर, एक मिनट कर, माननीय सदस्यगण, जब आप माननीय सदस्य सब बोल रहे थे, जब मैं इधर से सदस्यों को सबको चुप करा रहा था, जब इस सदन को अगर चलाना है, अगर गंभीरता से चलाना है तो सवाल करो तो जवाब भी सुनना चाहिए। मैं आपको डिबेट के समय पर्याप्त अवसर दूंगा, ये मैंने आपको बताया है। बीच में कोई भी माननीय सदस्य गृह मंत्री जी के बीच में न अंकित होगा न उठे, ये मेरा आपसे आग्रह है माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, अब जब रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर इस देश में आर्टिकल 14 के रहते ढेर सारे कानून बने हैं, तो यह केस के अंदर एक कानून को लाने के लिए रीजनेबल क्लासिफिकेशन का आधार क्या है वो मुझे बताना चाहिए। और मैं जब बिल पायलट कर रहा हूं, बिल लेकर आता हूं, तो मेरा दायित्व तो है कि मैं सदन के सामने रीजनेबल क्लासिफिकेशन का, माननीय सदस्य बात नहीं करें, आधार सदन के सामने रखूं। माननीय अध्यक्ष जी, इस बिल के अंदर भारत की जमीनी सीमाओं से सटे हुए तीन देश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, नेपाल नहीं है। फिर माननीय सदस्य, माननीय सदस्य सब जवाब दूंगा भाई, माननीय सदस्य बैठ जाओ ना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन, माननीय सदस्य आप, माननीय सदस्य प्लीज, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं नेपाल का भी जवाब दूंगा, सबका जवाब दूंगा, मगर बिल जब चर्चा में आएगा तब। अभी अब स्पीकर करना बंद कीजिए, हम भी चुप रहेंगे। माननीय सदस्य कैसे चल रहा है प्लीज, माननीय सदस्य आप मत करो, मैं सदन के नेता से आग्रह करूंगा अपनी गरिमा को बना रखे, आप विषय पर न उठे, अच्छा नहीं लगता। मैं मौका देता हूँ, मंत्री जी वो लक्षण रेखा क्रॉस कर जाएंगे तो हम लोग भी, हम लोग भी नहीं करेंगे, हम लोग भी रहेंगे, पांच वर्ष भी करेंगे और पांच बरस हम लोग अपोज करेंगे। दादा दादा आज दादा जोश में क्यों, दादा संदेश पहुंच गया वहां तक आपका, धन्यवाद। मान्यवर, मान्यवर में रीजनेबल क्लासिफिकेशन के ग्राउंड पर था। मान्यवर, रीजनेबल क्लासिफिकेशन का ग्राउंड क्या है, ये बिल का जो प्रस्ताव लेकर, संशोधन लेकर मैं आया हूं, उसमें भारत की जमीनी सीमाओं से सटे हुए तीन देश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, माननीय सबका अपना अपना, मान्यवर इनको सभी सदस्य कह रहे हैं भारत की 106 किलोमीटर जमीनी सीमा अफगानिस्तान से सटी हुई है, क्या क्या आप, मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, उकसाने से कुछ नहीं होगा, रिकॉर्ड की बात है, मैं भूगोल को जानता हूं, इस देश की, मैं इस देश की भूगोल को जानता हूं, मैं यही कहूं। आए अभिनंदन जी, मान्यवर, माननीय बताता हूँ।